करते हैं। ये उनका महीना चल रहा है, आज 5 तारीख है, 5वां नंबर। दादी प्रकाशमणि की विशेषता, दादी सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक थी, यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक थी। बाबा की, यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे, कोई भी निंदा करता था चाहे बाबा की चाहे यज्ञ की व परिवार की, कभी कोई निंदा करे ये दादी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती थी अगर कोई यज्ञ की या बाबा की या परिवार की निंदा करता है, दादी उसे महापाप समझती थी। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही, उनकी बुद्धि में सदा यही रहता था कि ये यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम या मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वो शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती थी, जरूर उनको सजा देती थी। हाँ, माना डिपेंड्स कैसी भूल उसने की उस अनुसार, तो शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। दादी बाबा को कैसे सृष्टि मंच पर कैसे लाया, कितने देशों में सेवा केंद्र खोले तो देखो, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा, इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान कर दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की, यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। जितनी महिमा करो दादी की उतनी कम है, बाबा के साथ साथ दादी की भी महिमा कम नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज भट्टी वालों का आखिरी दिन है और आधे तो जा रहे हैं, आधे तो जा रहे हैं, इसलिए कुछ रुकेंगे, कुछ कल जाएंगे, कुछ सुना परसों भी जा रहे हैं, लेकिन आधे आज जा रहे हैं। जो आज आधे जा, जो जा रहे हैं हाथ उठाएं, आज देखो कितने जा रहे हैं। हाँ, जो कल जा रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, परसों जो जा रहे हैं वो हाथ उठाएं, परसों भी है जाने वाले। अच्छा, आज का आपका आधा दिन का प्रोग्राम है वो सुना देते हैं।